ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। तू जानू वानू जो कहता है, बीवी तेरे हूँ लगता है समय। व्हाट्स अप यारो, वेलकम टू आवर YouTube चैनल YJ Vlogs। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज आपको दिख रहा होगा हम कहाँ हैं। हम हैं सरोवर नगरी नैनीताल में। आज हम फिर से एक और बार ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं आई लव नैनीताल से। आज पहले की तरह मुझे काम है और मैं आपको पूरी नैनीताल की सैर कराऊंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, बहुत मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों ने अभी तक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। टिमो से मिल चुका हूँ और टिमो को लग रही है भूख। मैं तो जहाँ काम करने गया था तो मैं उनके संग खाना दबा के खा लिया है। बहुत मेरा मतलब यहाँ तक भरा हुआ है बस। और मुझे मोमो चाउमीन अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं ले रही हूँ पहाड़ी खाना, झोली चावल जिसे बोलते हैं, कड़ी चावल बोलते हैं। और ये खाने के बाद हम जाने वाले हैं बोटिंग करने के लिए, तो चलते हैं। दो देर बहुत मस्ती करने वाले हैं, जरूर देखिएगा उसे। तो आ चुका है मिसेस टिमो का कड़ी चावल और मुझसे बिल्कुल वेट नहीं रहा है, मैं खा लेती हूँ कड़ी चावल। देखो इसका मास्क भी नहीं उतारा है रस से। वाओ मस्त है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं पिछली बार मैंने रेड और पिंक पहना था तो मैं सोचती हूँ ब्लैक पहनती हूँ। ठंडा बहुत हो रहा है, आज हम जाएंगे अभी बोट पे। ये टिमो जितने बार भी आती है यहाँ पे, मैं इनके वजह से पहनती, पिछली बार भी नहीं आते पहनते यहाँ पे। आज टिमो एक बार फिर कुछ तूफानी करने वाली है। नैनीताल की कली बनी हुई हूँ। ये नैनीताल में कश्मीर की फीलिंग ले रही है। कश्मीर की कली बनके। भैया आपका नाम क्या बताया था आपने? नाम मनोज। अरे हमें हर बोर्ड वाला मनोज ही मिल जाता है ना। भीमताल में भी यही मिलते ना। महाराज जी तुम बैठोगे तो मेरा गमला कहाँ बैठेगा? चल तू ही अपने गमले को बैठा ले। ये हमने टिकट लिया है, ये है मेरे हाथ में टिकट जो है 160 रुपीज का। तो अगर हम लोग आधा राउंड लेंगे तो 160, अगर पूरा लेंगे तो 210, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है टिकट, इसको हम संभाल लेते हैं। भैया हमें कराएंगे राइड। बीच में कोई टीटी आ गया तो टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है? ये है चश्मे वाली कल यहाँ है, कल यहाँ है। तो अब हम चल रहे हैं बोटिंग में और मैं लेके आई हूँ अपने साथ भुट्टा और कश्मीर की खली खाएगी भुट्टा। तो बहुत ही मजा आ रहा है ब्लॉग में। तो महाराज जी भी आ चुके हैं मेरे फोटोग्राफर ना, अभी तक मैं अकेले अकेले फोटो शूट कर रही थी तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखो हम बिल्कुल घिरे हुए हैं यहाँ पे बोटों से, चारों तरफ बोट ही बोट हैं। अब रास्ता बना के बीच से निकलेंगे ऐसे करके। तो फाइनली मेरा काम हो गया पूरा और मैं आ चुका हूँ टिमो की फ़ोटो खींचने के लिए और इस ब्लॉग में थोड़ा सा बनने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। तो महाराज जी की प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है, वरना अकेला मेरा भी ब्लॉग हो जाता है। क्योंकि इसका नाम YJ ब्लॉग से, तो वाई भी होना ज़रूरी है, जे भी होना ज़रूरी है ना। ओके चलो, एक दो रील लगे आते, एक दो रील बना लेती हूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए मेरे। मैं हूँ देखो बिल्कुल नैनीताल के ताल के बीचों बीच में और मैं ये ड्रेस और अपने साथ फूलों का गुलदस्ता लेकर आई हूँ। बड़ी मुश्किल से भैया को मैंने पटाया कि वोट में मुझे ड्रेस दे दो। तो मेरा मन कर रहा था बिल्कुल कश्मीर की कली बन के नैनीताल में घूमने का। तो ये देखिए, ये है हमारा बोट हाउस और हम इसमें घूम रहे हैं मस्त तरीके से। और महाराज जी भी आ चुके हैं। महाराज जी आ जाओ मेरे पास आराम से ना, बुढ़क मत जाइए। महाराज जी इतनी प्यारी सुंदर सी लोकेशन है नैनीताल का ताल और बीचों बीच में मैं और तुम। तो कोई गाना याद नहीं आ रहा मुझे देख के? आ रहा है ना? कौन सा वाला? नहीं गाऊंगा। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। बताओ ये गाना बता भी रही है कि ये वाला गाना गाओ तो अभी क्या बताऊं? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा तार। जोश की कमी है, सम्मी कपूर वाला जोश लाओ ना। क्या इसकी, अबे गिर जाएंगे यार, उनकी बहुत बड़ी नाव होती है वो जो सम्मी कपूर ने गाया था वो बिल्कुल, वो क्या था, बोट हाउस था वो। अगर मैं यहाँ ऐसा करूंगा भैया बोलने चाहता हूँ तिलो इधर उधर हो जाएगी। चलो चलो गाओ फिर। बस हो गया, गाना खत्म हो गया, तारीफ वाला सीन बस हो गया, तारीफ हो गई, तारीफ खत्म हो गई। तो हम बहुत मजे कर रहे हैं। तो अब ये मेरा गमला मैं यहाँ रख देती हूँ, हम लोग लाए हैं भुट्टा तो हम खाएंगे भुट्टा। भैया आप भी खाओगे?
भैया को आदत दे दो यार, बिल्कुल नहीं ना, ना। मिर्ची नहीं लगाई क्या? लगाइए तो लगाइए। तो दिखाओ कश्मीर के लिए भुट्टा खाते हुए कैसे लगती है? देखो कैसा कनीस, कैसा भुट्टा लेके आई हो तुम बता। अरे मैं तो कश्मीर से मारा नहीं बन गई। तो काफी मजा आ रहा है हम लोग को। पहली बार मैं ऐसे नाव में बिल्कुल मारा नहीं वाली फीलिंग लेके जा रही हूँ। भैया ऐसे कोई दिखा आपको आज तक? देखा भैया भी मना कर रहे हैं कि ऐसे करके किसी ने ड्रेस पहन के कोई भी बोटिंग नहीं करी। तो ये फर्स्ट टाइम है। ऐसे काम चिम्मू ही करती है। क्योंकि ना भैया दुनिया से लीक से हटके करने की मेरी आदत है, तो सब कुछ हटके होना चाहिए ना। हमने ताल के बगल में नींबू साना था, वो डिफरेंट था। यानी मेरा जी, मेरा जी को मैं तो उल्टे उल्टे काम बताती रहती ना। मेरा जी भी कहते थे क्या बीवी मिली मिलते हैं बोलते हैं सब। मैं तो खाने में मजा आ रहा है, इधर लाओ मैं पूरे खा दूँ पता लगा। मैं सोडा भुट्टा मीठा मीठा। ओ कश्मीर की गली देखो कैसे लगी है घपा घप खाने में। तो कश्मीर की गलियों को भूख नहीं लगती क्या? उनका भी तो पेट होता है। और अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, तो मुझे बादल आ गए हैं। गर्मी तेरे हनीमून में आए हैं, नहीं पता 13 साल पुराने। ये सामने आपको दिख रहा होगा माँ नंदा देवी का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ताल के पास। जो ताल है उसका हाफ राउंड लेते हुए ये मंदिर के बगल से अब हम वहीं पर पहुंच जाएंगे दोबारा से। तो जय मां नंदा देवी की, जय माता दी, जय हो। सब पर कृपा बनाइए, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स सारे व्यूवर्स को जो चाहिए उनको दे दीजिए, और हमको भी जो चाहिए वो भी हमें मिल जाए। और ये है भैया मनोज भैया जो हमें आज करा रहे हैं नैनीताल की झील की सैर। अच्छा ये गुरुद्वारा है? हाँ वो ऊपर से पता लगा। अच्छा ये गुरुद्वारा का धर्मशाला होगा ना? अरे वो ये वाला है जो मंदिर के बगल में, मंदिर के बगल में। वो तो उधर है। अच्छा मुझे नहीं पता था यहाँ भी धर्मशाला है। तो भैया बता रहे हैं ये वाला भी धर्मशाला है, जो आप सामने से जाएंगे तो गुरुद्वारा पड़ता है उसके जस्ट बगल में। है कश्मीर में, तो आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे कश्मीर। मैं आज डल झील में है ना, पर वो तो जमी रहती है, इसमें तो पानी पानी हो रहा है। इस बार जमी नहीं है। मैंने कहा तिम्मू आ रही है, रहने दो नहीं जमती हूं। तो बहुत मजा आ रहा है मुझे ऐसे। सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि कौन कार्टून आ गया है ना मेरा जी। कार्टून लग रही हूं क्या मैं? थोड़ा बहुत। अच्छा यार ऐसे ड्रेस पहन के और कोई वहीं पर फोटो खिंचाता है? ब्लैक कलर की ड्रेस इसलिए ली है ना, मेरा जी भी ब्लैक पहन के आया, तुम दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है। अच्छा तो फ्रेंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऐसे कुछ उल्टे काम किए हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हम भी ऐसे कुछ करते रहते हैं स्पेशल हमारी तरफ। और अगर जिन्होंने नहीं किया वो आके कर सकते हैं दोबारा, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दूंगी उल्टे उल्टे अपने पति को परेशान करने के। वो भैया जो है ना ड्रेस वाले, उनको मैंने बहुत देर तक पटाया, मैंने कहा भैया ड्रेस दे दो मुझे बोर्ड पे पहनना। उन्होंने कहा नहीं यहीं पे हम फोटो खींचते हैं, आप लोग यहीं पे खिंचाओ या यहाँ पर खिंचाओ, अपने कैमरे से खिंचाओ चाहे हमारे। मैंने कहा नहीं मुझे बोर्ड में पहन के जाना है। ऐसी पिछली बार मैंने एक भैया से साइकिल ली थी याद है, दिन में साइकिल नहीं मिलती है, फिर भी मैंने साइकिल ले ली उनसे रिक्वेस्ट करके। तो बस मज़ा आ रहा है काफ़ी। बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, देखो वहाँ पे आने वाला है वो। तो हमारे फैंस सारे लोग तो फाइनली आधा चक्कर कंप्लीट करके हम पहुंच गए हैं। अब मैं उतर रहा हूं, उसके बाद उतरेगी तिम्मो। तो आ रही है मिसेस तिम्मो, आराम आराम से आना। तो आ गई है कश्मीर की गली जमीन पे। तो क्या कश्मीर की गली आसमान में रहेगी अभी? जमीन पे तो आएगी ना। तो फाइनली मैं लैंड कर चुकी, मेरा हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ आगे। और यहाँ पे देखो ये नाव बन रही है कश्मीर की गली के लिए तैयार। भैया बोल रहे कश्मीर की गली के लिए नाव तैयार हो रही है। वो यहाँ पे हमें वाले गाने पे डांस करके दिखा रही है। चलो दिमाग शुरू हो जाओ।
तो फाइनली ब्लॉग को हम ये एंड कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, सब्सक्राइब लाइक चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल YJ ब्लॉग्स यू।